नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज लाइव। तो देखिए क्या है खास खबर आज सीवान से। दो दिन बाद घर में शादी समारोह, हर तरफ कोरोना वायरस के खतरे का शोर। ऐसे में करे तो क्या करें, आखिर दूल्हा और दुल्हन ने परिवार ने मिलकर फैसला लिया, लोग के स्वास्थ्य सबसे पहले, इसलिए शादी को स्थगित कर दिया जाए। शादी बुधवार को होनी तय थी। सीवान के अर्थी शाहीन और इमरान के परिवार सिद्दत के साथ 25 मार्च 2020 का इंतजार कर रहे थे। दोनों परिवार शादी के लिए महीनों से तैयारियां भी कर रहे थे। मेहमानों को निमंत्रण पत्र भी बांटे जा चुके थे। देश विदेश से भी लोग इस शादी समारोह में आने वाले थे। आखिरी वक्त में इन्हें शादी टालने का फैसला लेना पड़ा। दोनों परिवार के सावधानी में ही सुरक्षा का मंत्र अपनाना ही बेहतर समझा। ऐसा करके उन्होंने औरों के लिए भी एक मिसाल पेश की। हमें तो चूंकि शादी बहुत नज़दीक थी और 25 तारीख का डेट था। सारी तैयारियों के बावजूद ये कोरोना का एक ऐसा खौफ पूरे देश में फैला हुआ है। हमारी छोटी सिस्टर जो है अपर अनुमंडल पदाधिकारी है, छपरा में कार्यरत है। उनकी शादी इमरान अहमद से हुई थी, जो कि खुद ही अपर अनुमंडल पदाधिकारी हैं, जो पटना में कार्यरत है। 25 तारीख का डेट था, शादी बहुत नज़दीक थी। लेकिन अभी प्रायोरिटी जो हम लोगों की है वो है कि हमें लोगों को कैसे बचाना है, क्योंकि हम जब खुद बचेंगे तभी लोगों को बचाएंगे, और शादी ब्याह तो एक सोशल गैदरिंग है, तो उससे हमें बचना है। जिस तरीके से देश में वुहान शहर से, चीन के वुहान शहर से ही कोरोना वायरस हमारे देश में या दूसरे देशों में आ गया, तो ये राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा के तौर पे, और जिस तरीके से हमारा देश जूझ रहा है, देश के लोग परेशान हैं, तो इस स्थिति में अर्शी शाहीन और इमरान अहमद के रजामंदी से और परिवार वालों के निर्णय से हम लोगों ने ये प्लान किया कि शादी को पोस्टपोन कर लेते हैं। क्योंकि अभी हम लोग एक समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति में से हैं, समाज को ये मैसेज जाएगा कि जब ये लोग डिसीजन ले सकते हैं तो बाकी लोगों को भी लेना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का भी अपील है, और उसमें हम लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। इन सारे सिचुएशन को देखते हुए हम लोगों ने, दोनों परिवार ने आपस में मिल करके दोनों अधिकारियों को पूरा सपोर्ट किया कि ठीक है, आपका डिसीजन बिल्कुल सही है, और आगे हम लोग एक सारे सिचुएशन को रिकवर होने के बाद एक अच्छा जो भी मौका होगा उसको देख करके शादी का प्रोग्राम करेंगे। क्योंकि शादी जो फंक्शन होता है इसमें सैकड़ों और हज़ारों लोग आते हैं और ये खुशी का पल है, लेकिन आज देश एक भयावह स्थिति में खड़ा है। देश की स्थिति थोड़ी सी नाजुक है कोरोना को लेकर के, तो हम लोग सोच रहे हैं कि देश हित में, समाज हित में हम लोग इस कार्यक्रम को कुछ समय के लिए स्थगित कर, और हम ये समाज को मैसेज देना चाहते हैं। अर्शी शाहीन, इमरान अहमद और हमारे परिवार का और हमारा खुद का अपील है देश से, देशवासियों से और बिहार वासियों से, इवन सीवान वासियों से, कि अभी हम सबको देश की ज़रूरत है। हमारे जो भी खुशी के पल हैं, शादी या दूसरे फंक्शन हैं, इसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दीजिए, क्योंकि ये संपर्क में आने से फैलने वाला वायरस है। तो हम लोग कुछ पल के लिए इसको रोक देंगे तो देश में बहुत भयावह स्थिति को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिन के लिए बंद किया, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी ये किया कि 31 मार्च तक इसको स्थगित कर दी जाए। तो ये समाज के लिए ही है, वो अपने लिए नहीं, हम सब के लिए सोच रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम देश और समाज के लिए सोचें। इसको हम जितना अपने घरों में रह करके इस बीमारी को दूर कर सकते हैं, उतना ही जल्दी हम खुशी के पल को जी सकते हैं। इसलिए हम सबसे अपील है कि आप लोग जो भी कार्यक्रम है उसको स्थगित कीजिए। उसमें देश में प्रशासन को और सरकार को सहयोग कीजिए ताकि हम लोग जल्द से जल्द इस भयावह बीमारी से, क्योंकि हम बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से हैं, तो बहुत सारे लोगों को हमने, देश और विदेश से भी लोग आने वाले थे, और बहुत जो अभिनेता या नेतागण या प्रशासन के लोग हमारे इस समारोह में शामिल होने वाले थे, लेकिन इन सब को देखते हुए, चूंकि ये खुशी का पल है, सबको कोरोना वायरस की वजह से पोस्टपोन करना पड़ा, और आर्थिक रूप में या सामाजिक रूप में तो हमें नुकसान हुआ ही, तो लेकिन अभी हमको आर्थिक और सामाजिक नहीं देखना है, हमें अभी अपना देश देखना है, हमें अभी समाज के लोग देखना है। अगर ज़िंदगी रही तो हम पूरी ज़िंदगी खुशी के पल जी सकेंगे, शादी बाद में भी हो सकती है, लेकिन आज हमारी ज़िंदगी को या हमारे वजह से या हमारे यहाँ आए हुए अतिथियों की वजह से किसी और को तकलीफ होगी, तो एक ये लगेगा कि हम समाज में शामिल हुए, प्रोग्राम में शामिल हुए और हमें बीमारी हो गई।
तो हम वो नहीं चाहते हैं। हम लोग मिलजुल करके एक समाज के निर्माता हैं, समाज को अच्छे और एक शिक्षित होने समाज के नाते हम यही कहेंगे कि हम सबको या पूरे समाजवासियों को, पूरे सिवानवासियों को, पूरे बिहारवासियों को जो भी कार्यक्रम है उसको कृपया स्थगित करें कुछ समय के लिए। आज हमको देश के साथ खड़े होंगे, देश आज हमें अगर इस बीमारी से हम जूझेंगे तो देश पे आर्थिक सामाजिक बोझ बढ़ेगा, तो इन सब को भी हमको सोचना है। हम एक एक नागरिक का फर्ज है कि आज हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों को, चूंकि वो हमारे साथ खड़े हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ये हमारे साथ खड़े हैं, या हमारे जिला के जो भी DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं या SP साहब हैं, ये सब हमारे साथ खड़े हैं, तो हमको भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं अजहर जमील, मैं भूवैज्ञानिक हूँ, नेपाल में कार्यरत हूँ और अभी सिवान में चुके हूँ, तो सारे कार्यक्रम का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है बड़े भाई होने के नाते। मेरी सिस्टर अर्शी शाहीन जो अपर अनुमंडल अधिकारी हैं, उनकी शादी मिस्टर इमरान जो वो भी अपर अनुमंडल अधिकारी हैं उनसे 25 तारीख को होनी थी। लोगों को भी इस चीज़ों को समझना है कि शादी ब्याह खुशी का माहौल है और उसको कैसे हैंडल किया जाए, और आपस में भी कम से कम कॉन्टैक्ट बना के रखें और साफ सफाई का खास ख्याल रखें उसमें। मैं माज़ अम्ब्रीन, मेडिकल कंसल्टेंट, दिल्ली। एडमिशन ओपन हो चुके हैं प्री टेन किड्स स्कूल में, क्लास प्ले ग्रुप से प्री सीनियर तक के बच्चों के लिए। जी हाँ, एक अनोखा और चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरमेंट में आपके बच्चों को हमारे क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा खेल खेल में दी जाती है कंप्लीट एजुकेशन। CCTV युक्त सर्वेलेंस, डिजिटल क्लासेस, रैपिड अटेंडेंस सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, बच्चों के आने जाने के लिए वैन फैसिलिटी और अपनी ऐसी कई विशेषताओं के साथ प्री टीन किड स्कूल है सबसे सुरक्षित। बस मुझे शिवान के लोगों से गुजारिश है कि हमें एक मौका दे ताकि प्री टीन किड स्कूल अपने आप को प्रूव कर सके कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग स्कूल इन सिवान। आज ही एडमिशन कराइए प्री टीन किड्स स्कूल में। हमारा पता है प्रतिभा मेमोरियल हॉस्पिटल, नियर ललित बस स्टैंड, खुरमाबाद, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारे मोबाइल नंबर पर 6299582498। हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।